नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में है रब्बी शेरगिल जो फेमस एक सिंगर हैं, और इन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से बहुत ही अच्छा भाषण दिया है जो कि जितने भी यूथ थे उनके रोजगार और उनके भविष्य के बारे में उन्होंने सारी बातें बताई, और जिस तरीके से उनका वक्तव्य था उसमें भौगोलिक और इकोनॉमिक्स सब कुछ सम्मिलित था उनके वक्तव्य में। तो स्वागत है सर समता वाइज टीवी पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने एक गाने के माध्यम से भी सबको जागरूक किया, और आपने अपने वक्तव्य में भी इकोनॉमिकल और भूगोलिकल सब कुछ सामने रख दिया है सर। जी हाँ, मेरे ख्याल से जो कला है, कला एक कला में पैदा नहीं होती है, कला एक सभ्याचार में पैदा होती है, किसी एक संस्कृति में पैदा होती है। एक संस्कृति कला को जन्म देती है, और अगर संस्कृति जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाए या अपना रूप ऐसा बदलना शुरू कर दे कि लोग उसको पहचाने ही ना, तो कला का फ़र्ज़ बनता है कि संस्कृति को सही रास्ते पर लाए। मेरा अपना जो अंतर्विवेक कहता है वो यही कहता है कि इस वक्त कला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से कलाकार को आगे आना चाहिए। तो मेरे से चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जैसा भी योगदान मुझसे बन पड़ता है मैं देने के लिए आज यहाँ हाजिर हूँ। जैसा कि जो बैनर लगा हुआ है, जॉब चाहिए जुमला नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब कि जुमला नहीं चाहिए जॉब चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद बंधी थी 2014 में कि ये सरकार जो है ये कोई हिंदुस्तान हांगकांग ही बन जाएगा शायद, और एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ देखने में नहीं आई है। ये कुछ कुछ जैसे अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का जैसे एजेंडा होता है, जिसको पुराने समय में कहा जाता है नियोकॉन एजेंडा, नियो कंजर्वेटिव एजेंडा, ये कुछ कुछ वैसा है जिसके अंदर जो बड़े पूंजीपति हैं इनको रियायत दी जाती है, इनकी मदद की जाती है, और ये सोचा जाता है कि जो ग्रोथ है वो टॉप डाउन होगी। मसलन कि ऊपर जब आप इनको इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आप सहूलतें देंगे तो हो सकता है वो शुरू हो जाएं, जॉब मिलनी शुरू हो जाए, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। आप अमेरिका में भी देख रहे हैं और सब जगह में भी देख रहे हैं कि ये जो नियोकॉन एजेंडा है ये पूर्णतः विफल रहा है, और अब इसको ये चीज़ जो एक हार चुकी है, 20 साल हो गए इस चीज़ को हारे हुए, इसको हम अपने देश में आज लेके आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अंतर्विरोध मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि उसकी बात करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जिस तरीके से सरकार आई थी 2014 में ये कहकर कि बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, जितने भी पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल से निकल करके आते हैं उनको तुरंत ही रोजगार मिल जाएगा, क्या मतलब इस पर? देखिए ऐसा है कि जैसा किसी एक ऊपर आए वक्ता ने भी कहा कि हम सब लोगों को जो 2090 में एक हम आज़ादी चाहते थे हमारे संकीर्ण माहौल से, हम जातियों में बटे हुए माहौल से, हमें एक जाति की भांग पिलाई जाती थी हर किसी को उसके घर में, तो उसके बाद जो उदारीकरण की नीतियाँ लागू की गई उस वक्त की पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने, उसने हमें जो हमारी हमारे समाज की जो कुरीतियाँ थी इनकी भांग से हटा के हमें ये पूंजीवाद की स्मैक लगा दी, और वही स्मैक जो है अब वो हीरोइन में तब्दील होके जो आज की सरकारें हैं वो हमें दे रही हैं। पूंजीवाद एक ख़त्म, एक विफल, एक पूर्णता निराधार एक आइडियोलॉजी है, और इसका अंत निश्चित है। इसका अंत आप और मैं नहीं, प्रकृति तय करेगी, और गंगा जी बह नहीं सकती हैं, यमुना जी बह नहीं सकती हैं, अब यमुना के अंदर आप वहाँ के आसपास खड़े नहीं हो सकते, बदबू के मारे आपको उल्टियाँ लग जाएंगी। ये है, ये आप देखना चाहते हैं कि एक सोच कैसे विफल होती है, तो आप गंगा जी के किनारे, आप यमुना जी के किनारे जाके खड़े हों आपको दिखाई देगा, आप कालिंदी कुंज जाके खड़े हों और जो वहाँ इंडस्ट्रीज की झाग बना जो कूड़ा करकट है वो जब उसके अंदर डलता है तो ये आपकी और मेरी इस मातृभूमि की एक मौत का दृश्य है, ये हमारी संस्कृति की मौत का दृश्य है, और इसको रोकने के अंदर कोई भी ये सरकार सक्षम नहीं,
इसको इन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले तो हमें समस्या आउटलाइन करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि हम सब ने वो एक बौद्धिक चेतना ही छोड़ दी है। हम इसके अंदर जाना ही नहीं चाहते, बारीक बात समझना ही नहीं चाहते, और बारीक नहीं समझना चाहते हैं तो भैया फिर ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार जो है, इसकी नीतियाँ जो हैं, वो हमारी आज की समस्याओं से निपटने में पूर्णतः विफल है। अच्छा, जो दौर चल गया है अब चुनाव का, 2019 चुनाव करीब में आ गया है, और उसको लेकर के आप क्या आते हैं कि कैसी सरकार की उम्मीद रखते हैं? मैं समझता हूँ कि अब ना कांग्रेस ना बीजेपी ना ये ना वो, मुझे अब जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, मेरे तो खाने में वो भी बात नहीं करती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आने वाली सरकार जो है वो कोई एकदम वो अगले दिन कुछ चेंज कर देगी, पर मैं समझता हूँ कि ये योगेंद्र यादव जी जैसे लोग जिनका दिल एक सही जगह पे है, इनका जितना हम लोग आपस में इनका सहयोग दे सकें उतना कम है। कुछ नई बात होनी चाहिए, पुरानी बात अपने डर्रे पे चलने वाला जो बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच है, वो चाहे आप बड़े बड़े साइंसदानों का वक्तव्य पढ़ लें, IPCC की रिपोर्टें पढ़ लें, उनके ऊपर चलेंगे। अगर हम इन्योकॉन एजेंडे पर चलेंगे तो प्रकृति ही हमारी यह संस्कृति चलने नहीं देगी, द सिविलाइजेशन विल कलैप्स। वी नीड, हमें कुछ नई सोच चाहिए, हमें भारत को खोजना होगा। भारत एक कंट्री नहीं है, भारत एक संस्कृति है, एक तहजीब है, इसके अंदर बुद्ध भी है, इसके अंदर महावीर भी हैं, इसके अंदर कबीर भी हैं, इनके अंदर ये सब, अकेला वेदांत नहीं, वेदांत को 100 नमस्कार। पर हमें जैसे ये भारत की एक वृक्ष की एक टहनी है, इसकी और भी टहनियाँ हैं, एक टहनी वृक्ष नहीं है, तो हमें दूसरी, अगर आप वृक्ष की सेहत अच्छी चाहते हैं तो आपको दूसरी टहनियों को भी उतना ही संभालना होगा जितना एक। तो चलते चलते एक जो आपका जो अभी आने वाला जो एल्बम है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, हमारे लाखों करोड़ों जो दर्शक देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सुना देता हूँ राज सिंह, ये नया गीत है, ये अभी रिलीज किया है, और उसके बोल सुना देता हूँ। वे कुछ गल्लां कौड़ियां, वे कुछ गल्लां फिकियां, बचियां ना ये थे गल्लां कोई मिठियां, बाय हो जान दियां छपियां तरीका, जिम बोतला ते तिम उतना सीबा, सोचदा सी मन विच हो जा ख्याल, पौन लगा राज संग गल विच फाहू, गल विच फाहू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।